कल क्या पढ़ा था पढ़ने बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, क्या प्रॉपर्टीज थी मीडियम की बताओ? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम मीडियम विल ऑलवेज बी मिनिमम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, अगर y = a + bx होता है तो y मीडियम क्या हो जाएगा? a + bx मीडियम हो जाएगा। Then third property, it is not affected by extreme observations. अगर corner की values में कुछ भी change होता है तो medium course की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Next property क्या थी? अगर qualitative data दे रखा हो, qualitative data क्या होता है? Beauty, honesty, nationality, gender, जिस चीज को measure नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? Quality कहते हैं। अगर आपको क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो तो उस केस में भी मीडियन आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? इट कैन बी ट्रीटेड अल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। अल्जेब्रिकली मैथमेटिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि दो वैल्यूज दे रखी है तो तीसरी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, उसको ग्राफ की हेल्प से आसानी से डिनोट किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ तक? अपन ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, अपन ने मीडियन पढ़ लिया, आज अपन पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स को ही क्या बोला जाता है? सेंटाइल्स भी बोला जाता है। तो ये सिमिलर टू मीडियन होते हैं, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्वार्टाइल। जैसे मीडियन होता था वो किसी भी ऑब्जर्वेशन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, अब ऐसे क्वार्टाइल्स किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फोर। बच्चों अगर मुझे इस स्क्रीन को, ये जो मुझे स्क्रीन दे रखी है, इस स्क्रीन को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर कर मुझे अगर इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितनी लाइनें ड्रॉ करूं? लंबी वाली लाइनें खींचनी है तो मैं कितनी लाइनें ड्रॉ करूं चार पार्ट्स के लिए? 15। 1, 2, 3, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। मतलब आपको कितने क्वार्टाइल्स की जरूरत होती है? थ्री क्वार्टाइल्स की जरूरत होती है। अगर फोर इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है तो कितने क्वार्टाइल्स चाहिए? थ्री। वो थ्री क्वार्टाइल्स कौन से होते हैं? Q1, Q2 एंड Q3। Q1 का नाम होता है फर्स्ट, या फिर उसे क्या बोला जा सकता है? फर्स्ट या फिर उसे क्या बोला जा सकता है? लोअर क्वार्टाइल। Q2 को क्या बोला जा सकता है? मीडियन। और Q3 को क्या बोला जा सकता है? थर्ड या फिर अपर क्वार्टाइल बोला जा। जैसे मीडियम में पोजीशंस निकलती थी, यहां पे भी पोजीशन ही निकलती है। Q1 निकालने की पोजीशन, Q1 की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? n+1। क्वार्टाइल्स किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4। तो डिवाइडेड बाय 4 और इसका सबस्क्रिप्ट कितना है? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो? 1 से। अगर आपको Q2 निकालना है तो Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/4 और सबस्क्रिप्ट कितना है? 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। अगर आपको Q3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? n+1/4 और सबस्क्रिप्ट कितना है? 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी करना सीखेंगे, अभी तो मैं फॉर्मूलेज निकालना सिखा रही हूँ आपको। ये पोजिशन इस तरीके से क्वार्टाइल्स की निकलती है। नेक्स्ट होते हैं आपके डेसाइल्स। डेसाइल्स क्या होते हैं? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसे अपन क्या कह देते हैं? डेसाइल्स कह देते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको कितने डेसाइल की जरूरत पड़ेगी बच्चों? 9। एक कप यहाँ पे 4 के लिए 3 की जरूरत थी, यहाँ 10 के लिए कितने डेसाइल की जरूरत पड़ेगी? 9 डेसाइल्स। 9 डेसाइल कौन से होते हैं आपके? D1, D2, D9। यहाँ जो D5 होता है उसका नाम क्या होता है? उसको बोला जाता है मीडियन बोला जाता है।
अगर आपको डी वन निकालना है भाई, पोजीशन निकलेगी डी वन के लिए, तो पोजीशन निकालने का फॉर्मूला एन प्लस वन बाय डिसाइड डी, डी मतलब 10 इक्वल पार्ट से डिवाइड करेगा और सबस्क्रिप्ट कितना है उसका वन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो पॉइंट से। अगर मुझे डी फोर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टेन, सबस्क्रिप्ट कितना है फोर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगी फोर से। अगर मुझे डी नाइन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस वन बाई टेन, सब्सक्रिप्ट कितना है नाइन, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, नाइन से मल्टीप्लाई। आ गया समझ में। नेक्स्ट होते हैं आपके परसेंटाइज, या फिर इसे क्या बोला जा सकता है, सेंटाइज भी बोला जा सकता है, परसेंटाइज या फिर क्या बोलते हैं उसे, सेंटाइज। परसेंटाइज सेंटाइज क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसे अपन क्या कहते हैं, परसेंटाइज या फिर सेंटाइज कहते हैं। 100 पार्ट्स के लिए 99% की आपको जरूरत होती है, कौन से P1, P2, P3, till P99। यहाँ जो P25 होता है उसका नाम होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, P50 होता है उसका नाम होता है मीडियन, और P75 का नाम होता है आपका थर्ड क्वार्टाइल नाम हो। फॉर्मूलेस क्या होंगे परसेंटाइज या सेंटाइज के, सेम है। अगर मुझे P90 निकालना है तो n प्लस वन बाय, ये पोजीशन ही निकलेगी, n प्लस वन बाय P मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं 100, सबस्क्रिप्ट कितना है 19, तो किससे मल्टीप्लाई करवा लो 19। अगर आपको P60 निकालना हो तो बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई 100 और उसको मल्टीप्लाई किससे करवा दो 60 से। अगर मुझे P79 निकालना हो तो बताओ आप लोग बताओ फॉर्मूला क्या लिखू 79 के लिए, एन प्लस वन बाई 100 और 79 से उसको मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या जाएगा P79 आ जाएगा। तो ये तो पहले थ्योरेटिकली पढ़ा है कि क्वार्टाइल्स डेसाइल्स परसेंटाइल्स क्या होते हैं, किस ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और किसको क्या बोला जाता है। अब अपन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दे रखा है लाइक ऐसा कुछ दे रखा है और उसने कहा आप निकालो Q1, Q3, D2, D6, D8, D12, D22, D42, ये निकाल कर बताओ। ये अपन कौन से केस का सीख रहे हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक्साई दे रखा होगा, उन सारी सीरीज को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल सीरीज निकालने के लिए जैसे मीडियम में करते थे, सबसे पहले आप क्या करते थे, सीरीज को अरेंज करते थे इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। तो यहाँ भी आप अरेंज करो 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 60। अब अपन को Q1 निकालना है। Q1 का भी अपन ने फॉर्मूला देखा क्या होता है, n प्लस वन बाई क्यू मतलब क्वार्टाइल, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सब्सक्रिप्ट कितना है उसका 1, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देना। एन का मतलब क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 प्लस 1 बाई 4 दैट इज 10 बाई 4 कितनी वैल्यू आएगी 2.5। एग्जैक्टली आ रही। अब बच्चों ये 2.5 क्या है, ये ढंग से सीखो, पहले फिर लिख लेना, ये 2.5 अपनी पोजीशन आई, अभी तक अपन ने मीडियन में किया था बिना डेसिमल वाली पोजीशन आती थी, तो उस पोजीशन पे जो नंबर होता था वो एज इट इज अपना मीडियन हो जाता था। यहाँ पे अगर बिना डेसिमल की पोजीशन आए तो उस पोजीशन पे जो नंबर है वो क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल हो जाएगा, पर अगर पोजीशन
डेसिमल में आ जाती है तो फिर कैसे निकालोगे के ऊपर? यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है? टू, तो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर. डेसिमल से पहले जो टर्म लिखा है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर. अब आप लोगों को पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कैलकुलेटर पे कर सकते हो 20 माइनस 15 उसको मल्टीप्लाई कराओ 0.5 से, उसको प्लस कर दो 15. हाँ 15, 20 को 15 से माइनस कर दो. सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा? 17.5. तो आपका Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी आ गई? 17.5. आया समझ में? अब अगर अपन को Q3 निकालना होता तो Q3 के लिए फॉर्मूला क्या है? 3 × n + 1/4. 3 × n की वैल्यू कितनी है? 9 + 1/4, दैट इज 3 × 10/4. सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी? अभी तो ये पोजीशन आई है. अब Q3 कैसे निकलेगा? डेसिमल से पहले जो टर्म लिखा है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज, तो सेवन पोजीशन पे जो नंबर है अरेंज करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 40 प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर. सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा? 42.5. तो आपकी Q3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 42.5 आ गई. यहां तक समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन. अपना Q1 हो गया, Q3 हो गया, नेक्स्ट बोलता है D2. D2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2 × n + 1/8. ऐसा है किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है, तो 2 × 9 + 1/10, 2 × 10/10, ये कैंसिल हो गया तो पोजीशन आ गई 2. ये बिना डेसिमल की पोजीशन आई तो एज इट इज इस पोजीशन पे जो नंबर है वो आंसर हो जाएगा. तो आर D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे? क्या 15. तो D2 की वैल्यू कितनी हो गई? 15. आ रहा है समझ में? देन D6 कैसे निकालते हैं बच्चों? 6 × n + 1/10, तो 6 × 10/10, तो 6th पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6th पोजीशन पे क्या है? 35. तो D6 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 35. यहां तक नोट कर लो, मैं इसको इरेज करके फिर यही और सॉल्व करेंगे आगे. चलो आगे करें. नेक्स्ट अपन करेंगे D2 हो गया, D6 हो गया, नेक्स्ट अपन करेंगे D8. D8 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 × n + 1/10, तो 8 × 9 + 1/10, दैट इज 8. बाय 10 कैंसिल हो गया, पोजीशन आ गई 8.
एट पोजीशन पे तो जो नंबर है वो एज इट इज डी एट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट पोजीशन पे 45 है, तो डी एट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 45 हो गई। नेक्स्ट पी 12, तो 12 इनटू एन प्लस 1 क्योंकि पी है तो किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 100, तो 12 इनटू एन प्लस 1 बाय 100, 12 इनटू एन की वैल्यू 9, 9 प्लस 1 बाय 100, सॉल्व करके बताओ क्या पोजीशन आएगी 10 बाय 100, 12 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 1.2। अब पोजीशन डेसिमल में आ गई, तो क्या करेंगे डेसिमल से पहले जो टर्म लिखा है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज, तो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 5 है प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, तो पहले माइनस फिर इनटू फिर प्लस, सॉल्व करके बताओ पी 12 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो आपका P12 कितना आ गया आपका 7 आ गया। आ रहा है निकालना, समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट अपन करते हैं P22 22 इंटू एन प्लस 1 बाई 100, 22 इंटू 9 प्लस 1 बाई 100, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 10 बाई 100, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा 2.2। तो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इंटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, तो सॉल्व करके बताओ P22 की वैल्यू कितनी आएगी 16, तो P22 आपका कितना आ गया 16। ये वाला सेक्शन लिख लिया क्या बच्चों, ये वाला सेक्शन लिख लिया D2D6 वाला, क्या कोई लिख रहा है अभी भी, हटा दो एक बार, चलो लास्ट अपन करेंगे P42। 42 क्या होएगा 42 इंटू एन प्लस 1 बाई, सॉल्व करो खुद सॉल्व करो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा 42 26 आ रहा है। तो अपन ने क्या सीखा, क्वार्टाइल्स डेसाइल्स परसेंटाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेसाइल्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर डेसिमल वाली पोजीशन आती है तो कैसे निकालते हैं, डेसिमल से पहले जो टर्म लिखा है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। यहां तक समझ में आ गया नेक्स्ट अपन सीखेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ये तो इंडिविजुअल का अपन ने सीखा कि क्वार्टाइल्स डेसाइल्स और परसेंटाइल्स कैसे निकालते। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है जहां xi के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, उन सारी सीरीज को क्या बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल ये x से रखा है, ये f से रखा है,
अपन को निकालने को बोला गया कि आप लोग क्या क्या निकाल दो, आप लोग निकालो इसका Q1, आप लोग निकालो Q3, आप लोग निकालो D7, आप लोग निकालो D9, आप लोग निकालो P30, आप लोग निकालो P70, आप लोग निकालो P90, ये निकालने को बोला गया। एकदम सेम है जो अपन मीडियम में सीखते थे वैसा का वैसा, कि सबसे पहले आप देखो कि आपका एक्स जो है वो अरेंज है इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, नहीं तो सबसे पहला काम क्या है, आप एक्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग। सबसे छोटा एक्स क्या है 5, उसकी फ्रीक्वेंसी 7, नेक्स्ट क्या है 7, उसकी फ्रीक्वेंसी 8, नेक्स्ट क्या है आपके पास 12, उसकी फ्रीक्वेंसी 6, नेक्स्ट क्या है 14, उसकी फ्रीक्वेंसी 5, नेक्स्ट क्या है 15, उसकी फ्रीक्वेंसी 3, नेक्स्ट क्या है आपका 18, उसकी फ्रीक्वेंसी 4, नेक्स्ट क्या है आपका 20, उसकी फ्रीक्वेंसी 5, देन 22, उसकी फ्रीक्वेंसी 3, 25, उसकी फ्रीक्वेंसी 6। अब क्या करो CF, जो मीडियम में करते थे वो का वो काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। CF निकालो 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, प्लस 5 26, प्लस 3 29, प्लस 4 33, प्लस 5 38, प्लस 3 41, प्लस 6 47। यहां तक समझ में आ गई बात, फॉर्मूले सेम है जो आपने इंडिविजुअल में काम में लिए हैं वो के वही फॉर्मूले हर डिस्क्रीट में होते हैं। तो Q1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 4, सबस्क्रिप्ट कितना है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दो। n का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो CF का लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो n की वैल्यू कितनी है 47 प्लस 1 बाई 4, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 12। अब क्या करो, इस 12 को CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट x बड़ा, उसके सामने वाला जो x आई होगा वो वाला वो क्वार्टाइल या वो डेसाइल या वो परसेंटाइल होता जाएगा। तो 12 से जस्ट x बड़ा क्या है 15, इसके सामने वाला x आई कितना है 7, तो आपका Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। आ रही बात समझ में। Q3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 × n + 1/4, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, 3 × n + 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी 36। आ रही है नहीं आ रही, इस 36 को CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला एक्स आई आपका वो वाला क्वार्टाइल हो जाएगा। तो 36 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये वाला CF, इसके सामने वाला एक्स आई कितना है 20, तो आपकी Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 20। D7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 × n + 1/10, 7 × 47 + 1/10, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 48/10 × 7 कितनी आएगी 33.6। इस वैल्यू को CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर जैसे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला एक्स आई को वाला डेसाई हो जाएगा, तो 33.6 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये वाला है, इसके सामने वाला एक्स आई कितना है 20, तो D7 की वैल्यू कितनी आ गई 20। आ रही बात समझ में। D9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 × n + 1/10, 9 × 47 + 1/10 कितनी वैल्यू आएगी, 48/10 × 9 43.2। इस वैल्यू को CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला एक्स आई को वाला डिसाइड हो जाएगा, तो 43.2 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा ये वाला CF है, इसके सामने वाला एक्स आई 25 है, तो D9 की वैल्यू कितनी आ गई 25। आ रही बात समझ में। P30, तो 13 × n + 1/100, तो 13 × n की वैल्यू कितनी है 47 + 1/100, सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 14.1 कितना, 14.1
14.4, इस वैल्यू को CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इसे जस्ट में x बड़ा उसके सामने वाला xi आपका वो वाला परसेंटाइल हो जाएगा, तो 14.4 से जस्ट में x बड़ा ये वाला इसके सामने वाला xi 7 है, तो P30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। P70 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 70 × n + 1/100, तो 70 × 47 + 1/100 सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 33.6। इस वैल्यू को सीएफ में देखना शुरू करो, जो भी सीएफ इसके बराबर या इसे जस्ट नेक्स्ट बड़ा उसके सामने वाला एक्सआई को वाला परसेंटाइल हो जाएगा, तो ये जस्ट नेक्स्ट बड़ा इसके सामने वाला एक्सआई कितना है 20, तो P70 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। आ रही बात समझ में। लास्ट P90, अब आप लोग ये खुद सॉल्व करके बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, 25। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 19 × 47 + 1/100 कितनी आएगी, 43.2 आ जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी 25, और P90 की वैल्यू कितनी हो गई 25। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अपन कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल एक्सरसाइज एंड परसेंटाइल। सेम है यहां पे, पहले आप x को अरेंज करते हो इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, फिर cf निकालते हो, फिर n + 1/4 करते हो, फिर उस वैल्यू को आप cf में देखना शुरू करते हो, जो भी cf उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा उसके सामने वाला जो xi होगा वो वाला वो परसेंटाइल या वो वाला वो डेसाइल या वो वाला वो क्वार्टाइल हो जाएगा। आ गया समझ में, लिख लिया यहां तक, क्वेश्चंस करें। हमारे 53 तक क्वेश्चंस कल हो गए है ना, आज आप लोगों को करना है 54 55 अभी क्लास वर्क लिख लो, 56 होमवर्क, 57 होमवर्क, क्लास वर्क 59 होमवर्क, 16 होमवर्क, चार क्वेश्चन होमवर्क के लिखिए, नोट कर लो, कल मैं चेक करूंगी आपकी नोटबुक्स के अंदर 59 60 होमवर्क का है और एक 56 57 होमवर्क का है, बाकी तीन क्लास वर्क है, सॉल्व करना स्टार्ट कर। 3 होमवर्क के, 3 क्लास वर्क है, 4 होमवर्क के, 3 क्लास के होमवर्क नोट कर लिया, कल सबकी नोटबुक्स में मैं चेक करूंगी आप लोग होमवर्क करके लाए कि नहीं लाए।
Thank you.
चलो 54 में Q1 क्या है बच्चों? 17 Q3 B7 7 37
सॉरी 37 है और D9 37 है. 37. हाँ. 15. 15.05. 29. 17.8. और 39. 19.8. 55 में Q3. 53.75. D6. 38. P70. 47.9. और 80. 61. आप दोनों का बेटा आ रहे हैं आंसर्स आपके? कुछ भी नहीं आया अभी तक. 15 से क्या होएगा बेटा? क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना. देखो ध्यान दो, पहले अरेंज किया, फिर D8 अगर निकालना है तो क्या होती है 8 × n+1/100 फॉर्मूला. तो अपनी पोजीशन आ गई 8, यहाँ डेसिमल में पोजीशन यहाँ आ रही है. P22 निकालना है तो 22 × n+1/100 ये तो सॉल्व करना जानते हो. फिर ये वैल्यू आ गई 2.2, तो डेसिमल से पहले 2 लिखा है तो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज, सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज आ रहा है समझ में, प्लस डेसिमल वाली वैल्यू. डेसिमल कितना है 0.2 ही तो है बेटा, इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर. नहीं आ रहा समझ में? 2.2 यहां तक समझ में आ रही है बात? ये 2.2 कैसे है ये समझ में आ रहा है? आया ना? डेसिमल से पहले क्या लिखा है 2, तो सेकंड पोजीशन पे ये नंबर है 15 एज इट इज लिख दिया. प्लस डेसिमल के बाद क्या है 2, तो 0.2 लिख सकती हूँ 2 को, 0.2 को डेसिमल के बाद, डेसिमल के साथ वैल्यू लिख दी 0.2. हाँ, इनटू ये नेक्स्ट नंबर, पहले सेकंड पोजीशन वाला लिखा था तो थर्ड माइनस सेकंड, पहले मल्टीप्लाई माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस. क्या आंसर सही है 55 के? कुछ बता रहे थे आप लोग? पीछे के करने बेटा, एक हेल्प करो उनको, निशा को एक निकलवाओ उनसे, कैसे निकालना एक भी नहीं आया उनको. और अभी करना है फिर होमवर्क के हैं बाकी क्वेश्चंस. This happened just for this minute.
लो इधर आओ बताओ तो आंसर लिखे थे क्या? तो मैंने लिखे हुए थे आंसर नोट किए थे कैलकुलेटर ऑन पहले करो 35 माइनस 30 जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से तो वैल्यू है उसको प्लस कर दो 30 आपका इस चीज की वैल्यू आएगी 32.5 ये आप लिए 32.5 एक तरह का नहीं मैं मुझे इसका होगी n प्लस 1 बाई 4 d7 है ना बेटा डी ना तो डी मतलब क्या होता है डेसाइल जो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 10 आएगा ना नीचे ये 4 आएगा फॉर्मूला तो सही लिखो बेटा देख के लिखो इतने सारे लिखवाए थे इतनी मैंने तो देख लो मैंने आंसर लिखे थे चेक कर लो आंसर्स लिख लो पहले सारे फिर मैच कर लेना आप आराम से अपने लिखिए आप कुछ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना ठीक है Q1 क्या आ रहा है बच्चों 58 में 8 Q3 33 D4 14 D6 19 E12 6 P19 8 P17 आया निशा नहीं आ रहा था बेटा अब इसी में क्यों करते जा रहे आराम से फेयर पेज लो आराम से अच्छे से करो खुला खुला किया करो काम
समझ में आया आपको, आप क्या कर रहे हो, इसी में काटोगे करोगे, काटोगे करोगे, समझ में क्या आएगा क्या करो, लो मैं बताओ इधर आओ, क्या नहीं आया, कैलकुलेटर लेके आना अपना। कौन सा वाला नहीं आया, D7 नहीं आ रहा आपको, तो सेवेंथ पोजीशन पे नंबर सेवन, डी सेवन की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये 9 है क्या, 9 प्लस 1 बाई 10, 10 सर 10 कैंसिल हो रहा है, कैसा है क्या, एन की वैल्यू क्या है, है एन की वैल्यू क्या है, ये अरेंज है क्या, ये सही तरीके से सीक्वेंस में लगे हुए हैं, 7 पोजीशन पे जो नंबर है वो आंसर है। जब डेसिमल वाली पोजीशन आती है तो वैसे करते हैं, बिना डेसिमल की पोजीशन आती है। हो गए क्वेश्चंस? चलो जो होमवर्क है वो घर से करके लाए, और निशा वापस सारे करना बेटा, अभी छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा, आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आराम से खूब टाइम है घर पे बैठ के करो, सारे आंसर्स आपके पास है, जो नहीं है वो मेरे से कलर आपसे पूछ लेना, ठीक है।